नमस्ते, मैं मृदुला तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मधु जी की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर और गोभी से एक नई रेसिपी। इसकी रेसिपी सिंपल ही है, बस इसमें यही है इसका मसाला और मटर को पीस लेना है। चाहे आप सिलबट्टे पे पीसे चाहे ग्राइंडर में पीसे, वैसे स्वाद तो सिलबट्टे की ही आती है। चलिए अब समय को नहीं बर्बाद करेंगे, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लहसुन ले लिया, साथ ही हमने मटर लिया है और मटर और सभी मसालों को पीस लिया। यहाँ पे आलू और गोभी ले लिया है और हमने टमाटर भी लिया है। यहाँ पे सारे चीज इकट्ठा हो चुके हैं, तो चलिए अब बनाते हैं। यहाँ तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे तेजपत्ता और फिर इसमें डालेंगे गोभी, आलू, ये सब डाल के आलू फ्राई कर लेंगे। मेरा आलू गोभी फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालेंगे मसाले। मसाले डाल के उसको भी भूनेंगे। ये पीसे हुए मसाले हैं और इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक पैकेट एक चम्मच गरम मसाला, इन सबको डाल के भूनेंगे। जब मसाले भून जाएंगे तो पिसे हुए मटर इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें टमाटर और इसी के साथ साथ नमक डाल देंगे कि टमाटर थोड़ा गल जाए। दो चम्मच नमक डाल दिए। अब इसके बाद डालेंगे पिसे हुए मटर, थोड़ा सा ये टमाटर गल जाए। देखिए इसके मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब इसमें डालेंगे ये पिसे हुए मटर, इसको भी थोड़ा बहुत भून लेंगे। और इधर कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ, उसी में डाल दूंगी। देखिए अब सारा कुछ भून के तैयार हो गया। अब इधर कुकर में पानी गर्म की हूँ, इसमें डाल के सीटी लगा दूंगी, तीन सीटी लगा के उसके बाद सब्जी बन के तैयार। यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार है और देखिए देखने में कितना मस्त दिख रहा है और टेस्टी भी। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय।